जैसे जैसे जिले में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वैसे ही कोरोना भी अपने पैर पसारता जा रहा है। आज यहाँ मिले 4 और कोरोना पॉजिटिव के बाद संख्या 31 हो गई है। अब सरकार ने आपकी सहूलियत को देखते हुए लॉकडाउन में ढील जरूर दे दी है, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। इसलिए बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर रखें, सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन। खैर, अब बात करेंगे शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की। शाहजहांपुर में आज 4 और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। यहां जलालाबाद से 1 और तिरहर क्षेत्र से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हो गई है। वहीं अब तक 11 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं, जिसके बाद अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने आज शाहजहांपुर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए लॉकडाउन को विफल बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूरों को हुई है, जिसके चलते आजादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को एक षड्यंत्र बताते हुए उन्होंने भाजपा कहा कि भाजपा सरकार ने उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मांग की है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखे गए मुकदमों को वापस लिया जाए। जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई थानाध्यक्षों के तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने लगातार क्राइम को रोकने में नाकाम रहे तिलहर कोतवाल सुनील कुमार अहलावत को हटाते हुए थाना आरसी मिशन भेज दिया है। वहीं अब तिलहर कोतवाली की जिम्मेदारी पुआया में रहे तेजतर्रार थानाध्यक्ष जसवीर सिंह को दी गई है। जसवीर सिंह ने थाना पुआया में रहते हुए कई बड़े खुलासे किए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक के वाचक रहे हरपाल सिंह बालियान को कटरा भेजा गया है। रिजर्व पुलिस लाइन से कुंवर बहादुर सिंह को थाना कांट का दायित्व सौंपा गया है। वहीं थाना निगोही में तैनात उपनिरीक्षक इंद्रजीत सिंह भदौरिया पर भी गाज गिरी है, उनको अब अल्लाहगंज भेजा गया है। थानाध्यक्ष दिलीप यादव को थाना सदर बाजार भेजा गया है। वहीं अल्लाहगंज प्रभारी निरीक्षक सुधाकर पांडे और कांट प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह को अब अपराध शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। सिंधौली क्षेत्र में पुलिस की सरपरस्ती में खनन माफिया लगातार अवैध तरीके से मिट्टी का खनन करा रहे हैं। माफिया उपजाऊ भूमि को तालाबों में तब्दील कर रहे हैं, साथ ही मुड़िया मोड़ से मुड़िया पमार के लिए जाने वाले रोड को भी दलदल में बदल रहे हैं। दरअसल जब खनन माफिया मिट्टी से भरी ट्रॉली लेकर सड़क से गुजरते हैं तो सड़क पर गिरने वाली मिट्टी की वजह से निकलने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अब खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भाकियों ने मोर्चा खोल दिया है। पुआया पुलिस ने गौकसी के वांछित आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वांछित चल रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले मुठभेड़ भी हुई। पुआया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह रही कि पुलिस ने घटना के 12 घंटे के बाद ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। कटरा के मोहल्ला आतिशबाजान से 4 माह पहले लापता हुए किशोर का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। आज किशोर की बरामदगी के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिला। संगठन के जिला प्रभारी जितेंद्र नाथ तिवारी ने लंबा समय बीत जाने के बाद भी किशोर की बरामदगी न होने के चलते पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही लापता हुए किशोर की बरामदगी नहीं हुई तो एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाएगा।